आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जिले के कुरई थाना अंतर्गत बादलपार पुलिस चौकी के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम सिमरिया और सागर निवासी दो लोगों की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृत लोगों पर गाय काटने का आरोप है बजरंग दल द्वारा लगाया गया था। आदिवासी युवाओं की मौत की खबर आग की तरह फैलते ही सैकड़ों की तादाद पर समुदाय के लोग, क्षेत्रीय विधायक सहित कई जनप्रतिनिधियों ने कुरई थाने के सामने जमा होकर नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया और मांग पर अड़ गए कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं कर लिए जाते, आरोपियों के घर में बुलडोजर नहीं चल जाता, तब तक की जाम खत्म नहीं किया जाएगा। इस जाम में सैकड़ों की तादाद में यात्री वाहन भी फंसे रहे, जिससे गर्मी में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक वाहनों की लाइन लगी रही, सुबह से लगा जाम शाम को ही खुल सका। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी गई और बार बार जाम खत्म करने के लिए कहा गया लेकिन आक्रोशित लोगों द्वारा तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके घर पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग पर ही अड़े रहे, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस द्वारा कुछ नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है, साथ ही मामले में शामिल कुछ अन्य आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया है। राहुल हरिदास पटिंग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 और मध्य प्रदेश नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के प्रावधान के तहत ग्राम सागर निवासी मृतक संपतलाल वट्टी की पुत्री सुनीता वट्टी को आदिवासी कन्या आश्रम बेरली पार में और ग्राम सिमरिया निवासी मृतक धानसान इनवाती के पुत्र जयप्रकाश को हाई स्कूल विजयपानी में दैनिक वेतन भोगी के पद में पदस्थ किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही मृतक संपतलाल वट्टी की पत्नी मट्ठोबाई को 8,25,000 रुपए और मृतक धानसा इनवाती की पत्नी फूलवती इनवाती को 8,25,000 की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। इसके बाद धरने पर बैठे लोगों द्वारा चक्का जाम समाप्त कर दिया गया।